जो बिहार में दावा ठोका जा रहा है कि नंबर वन विकास है, नंबर वन, तो सही में यही नंबर वन विकास है। हमारे कैमरामैन ये दिखलाइए, ये स्टेट बोर्डिंग है जो किसान के लिए, जो किसान के लिए यहाँ रकबा कितना है, जी 1000 बीघा होगा, 1000 बीघा। तो सर यहाँ जो हम देख रहे स्थिति, ये बोर्डिंग का सबसे ये भूत बंगला है, भूत बंगला बोर्डिंग है, साफ सफाई रहना चाहिए। पीछे होइए कैमरामैन, पीछे होइए। तो हम देख रहे यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या ये बोर्डिंग चालू रहता है कि बंद रहता है? देखिए ये बोर्डिंग जब से हला तब से 1 महीना चालू था जी, उसके बाद चालू हुआ ही नहीं जी। इसमें भूसा रखा है, गोहा रखा है। देखिए हमारे कैमरामैन दिखलाइए, नीचे से ऊपर दिखलाइए, कितना पुराना है। हमको अंदाज लग रहा है कि ये 20 साल पहले जो हमारे लालू जी की सरकार थी, जो लालू जी की सरकार में ये बोर्डिंग हाला गया है। और हमारे अभी सीएम साहब नीतीश कुमार जो 15 साल से, तो हम ग्रामीण से पूछेंगे कि ये सरकार में ये बोर्डिंग हलाया गया है, चालू किया गया है कि जो विपक्षी सरकार पहले थे उसके टाइम में चालू किया गया है। तो सर ये हम जानना चाह रहे हैं जो 15 साल पहले ये बोर्डिंग कब हलाया गया? करीबन 10-15 साल हुआ होगा। 10-15 साल, एगो मोटा मोटी 15 साल मानिए। आपको अंदाज है कि ये नीतीश कुमार के ही देन में हुआ है कि लालू जी के देन में? नहीं था तो उस टाइम लालू जी था। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर नीतीश जी उसके साथ हुआ। लेकिन कोई भी नेता रहे कम से कम ये चालू होना चाहिए। आज रौदी पड़ा हुआ है, खेत सब पड़ता है, ये सब कम से कम चालू होना चाहिए ना, ये सब पटना चाहिए ना खेती से, स्टेट बोर्डिंग से। जी जी, स्टेट बोर्ड हमारे कैमरामैन दिखलाइए, अंदर देखिए, यहाँ होना चाहिए बम्मा बोर्डिंग होना चाहिए, भूसा भूसा है। यहाँ आइए अंदर आइए, देखिए गोरहा कैसे ग्रामीण है, किसमें दीना दीनी से यह गोरहा रखे हुए हैं, भूसा रखे हुए हैं। देखिए और ये जर्जर देवाल सब जर्जर दिखलाइए, भूत बंगला है। चलिए आगे चलिए, स्टेट बोर्डिंग उसमें दिखाइए, ट्रांसफार्मर सब। चलिए आगे चलिए, कहाँ पे है दिखलाइए, दिखलाइए। ये है भी आप, ये बम्मा है, देखिए बम्मा लगा के सरकार का पैसा गलत उपयोग में लगा के, देखिए ऐसी पड़ा हुआ है। क्या हम कहे, क्या हम सिखलाए यहाँ के नेता के, यहाँ के जनप्रतिनिधि के, क्या हम बताएं। देखिए सीढ़ी भी, ये क्या बोल रहे हैं, दरवाजा खिड़की भी नहीं है। देखिए कोई भी इसमें नीचा ऊंचा, देखिए आइए हमारे कैमरामैन दिखलाइए विकास, बिहार का विकास। यहाँ दावा ठोका जाता है, यहाँ दावा ठोका जाता है कि बिहार में सबसे नंबर वन विकास है। अच्छा ये सब क्या है? ये तो यहाँ पे नहीं था। अरे क्या है बताइएगा ना। ये बोर है, ये तो बोर है, मतलब पानी देने वाला, पानी देने वाला। कै गो है? यही एक बोर है। अच्छा दो गो, तीन है, तीन भाग का है, मतलब तीन पाइप में एक साथ चल सकता है। कलेक्शन होगा, कलेक्शन इसमें, इसमें चालू होगा था, मैं तो बंद पड़ा है। अच्छा ये बंद जो शुरू में लगाया गया था तो चालू किए थे कि लगा के खाली छोड़ दिए थे? किया था, 1-2 महीना चला, उसके बाद सब खेत में पानी नहीं गिरा है। अच्छा खेत में जो है सब में पतला पाइप लगा दिया जी, जो पाइप लगा था 10 रुपया वाला वो लगा दिया 1 रुपया वाला जी, सब खत्म हो गया जी, सब खा गया, मुस्कार दिया, उस दिन से ठप पड़ा है। हमारे पंचायत में जो मुखिया होता है जी, तो उसको पंचायत को पूरा चीज देखना चाहिए कि नहीं देखना जी, चाहिए जी, देख के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, लाइट उठ रही है नहीं, वो भी अपना मुखिया वोट ले लेता है, पलंगी बजा कर सुत रहता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इससे पहले भी आपके मुखिया जी थे और अब भी है? हाँ, इससे पहले भी था। आप ये सब पे उनसे नहीं राय मशवरा लिए? नहीं, इससे पहले भी था जी, इससे पहले भी था, तो वो तो थोड़ा थोड़ा चालू करता था, इधर उधर सोता था, लेकिन होता था नहीं चालू, उनसे भी नहीं हुआ जी, उससे भी नहीं हो रहा है जी। दिखलाइए हमारे कैमरामैन, ये दिखलाइए कितना बुरा हाल है, देखिए स्टेट बोर्डिंग का जो यहाँ हमको अंदाज लग रहा है 500 या 1000 बीघा यहाँ रकबा है। पूरा रिकॉर्ड कीजिए, पूरा खेत का रिकॉर्ड कीजिए, दिखलाइए, देखिए कहाँ तक नजर आ रहा है। आज बारिश नहीं हो रहा है, आज बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन ये ठीक रहता, सामने कीजिए, ये ठीक रहता बोर्डिंग अगर ठीक रहता तो समझिए यहाँ कितना किसान का बचत होता और किसान का यहाँ घर में अनाज जाता, मतलब जो अनाज से आप किसान अपना घर चलाते हैं, हर चीज चलाते हैं। और हमारे नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में सबसे नंबर वन विकास, क्या यही विकास है? दिखलाइए नीचे से ऊपर दिखलाइए, जो बम्मा लगा के खर्चा करके हमको अंदाज लग रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो लगा है नयो नयो, ये कितना का फंड होगा अंदाज एगो बताइए तो, अंदाज एगो होगा ना मोटा मोटी हमको तो। करोड़ मानिए करोड़, देखिए यहाँ जो हम देख रहे हैं
माना जाए कि 50 लाख रुपया, यहाँ 50 लाख का ही फंड होगा, उससे भी ज्यादा हो या कम हो, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से मोटा मोटी हम बता रहे हैं कि 50 लाख रुपया यहाँ गलत तरीका से, जो सरकार का पैसा, विभाग का पैसा, और यहाँ लगा के, और देखिए कैसे सो गए हुए हैं। अच्छा एक और चीज है, अभी बारिश जो नहीं हो रहा है तो क्या आम की धान होगा? नहीं होगा, धान पूरा गौदी पड़ा है, क्या करे, कुछ नहीं होगा। तो सरकार हमारे नीतीश कुमार तो 6,000 रुपया जो दहाड़ आता है, थोड़ा सा पानी आता है तो सीधे घोषणा कर देता है किसान को कि 6,000 रुपया, 100 गो में से मुश्किल से 80 या 70 को मिला, 30 गो के नहीं मिला जी, नहीं मिलता है कभी, मतलब कोई कोई आदमी के मिलता है, कोई कोई आदमी के नहीं मिलता। तो क्या अभी रौदी पड़ा है तो कुछ लोगों का कहना है कि हम की रौदी है तो आप लग रहा है कि फिर 6,000 ही आएगा, क्या सही बात है? हाँ, तो सही बात है, आना चाहिए। तो क्या उससे आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा पेट, उससे कुछ नहीं होने वाला है, इसको चालू करवाइए, हम लोग चालू होना चाहिए ना, होना चाहिए, ये हर भी हाल में इसको चालू करना है, नीतीश कुमार सरकार को हम यही कहेंगे जी, इसको चालू करना है। हमारा युवक का दावा है, जो हमारा युवक वोट देते हैं, और यह पाइप लगा दिया जी, जो पार्ट लगा था 10 रुपया वाला वो लगा दिया 1 रुपया वाला जी, सब खत्म हो गया जी, सब खा गया, मुस्कार दिया, उस दिन से ठप पड़ा है। हमारे पंचायत में जो मुखिया होता है जी, तो उसको पंचायत को पूरा चीज देखना चाहिए कि नहीं देखना जी, चाहिए जी, जी। देख के आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना जी, चाहिए, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, लाइट उठ रही है नहीं, वो भी अपना मुखिया वोट ले लेता है, पलंगी बजा के सुत रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इससे पहले भी आपके मुखिया जी थे और अभी है, इससे पहले भी था, आप ये सब पे उनसे नहीं राय मशवरा लिए? नहीं, इससे पहले भी था जी, इससे पहले भी था, तो वो तो थोड़ा थोड़ा चालू करता था, इधर उधर सोता था, लेकिन होता था नहीं चालू, उनसे भी नहीं हुआ है, उससे भी नहीं हो रहा है जी। दिखलाइए हमारे कैमरामैन, ये दिखलाइए कितना बुरा हाल है, देखिए स्टेट बोर्डिंग का, जो यहाँ हमको अंदाज लग रहा है 500 या 1,000 बीघा यहाँ रकबा है, पूरा रिकॉर्ड कीजिए, पूरा खेत का रिकॉर्ड कीजिए, दिखलाइए, देखिए कहाँ तक नजर आ रहा है। आज बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन ये ठीक रहता, सामने कीजिए, ये ठीक रहता बोर्डिंग, अगर ठीक रहता तो समझिए यहाँ कितना किसान का बचत होता, और किसान का यहाँ घर में अनाज जाता। 2,000 आपको मांग क्या है सरकार से? थोड़ा आगे हमारे कैमरा में लग में आई है, जी जी, चालू करा देता तो सभी खेत पड़ता जी जी, रौदी से कोई फर्क नहीं होता, हाँ, कोई फर्क सभी को धान धुनो अच्छा से होता जी। एक इसी के बगल में स्कूल में थोड़ा चले जाइएगा जी, स्कूल सारा टूट टूट के गिरता है जी, न पढ़ाई होता, न लिखाई होता, मैटर था कोई 11 बजे था, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे था, मैटर भी सुबह होगा जी, जब बच्चा के नाम पर खिचड़ी खाता है, वो सब बच्चा को खिलाता नहीं, सब बेच लेता है, यही तो सब बेच लेता है, तो स्कूल बगले में स्कूल तो यहाँ के पब्लिक क्यों नहीं हो, पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक करते करते थक गया जी। आइए हमारे चाची, हम अपना घर में 15-16-17 आदमी है, हम राशन नहीं देते, राशन अच्छा साफ नहीं देते, ककरो से पता लगा ली, राशन के लिए आप बात नहीं करते डीलर से, डीलर कहते हैं सीएमओ के यहाँ जाता है, नंबर लीजिए, जो भी छोटा छोटा दिक्कत हो या कोई भी विभाग से दिक्कत अगर आप लोग को हो रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो फौरन हमें कॉल करें और फौरन बुलाएं। मेरा मोबाइल नंबर है 74-88-55-37-81-98-198-192। तो यही कहेंगे, ओ हमारे मुख्यमंत्री जी, बिहार का विकास आप जो बोल रहे हैं कि सबसे नंबर वन विकास है, आपने विकास किया है ये चीज हम देखे हैं, लेकिन जहां न होना चाहिए वहां विकास किए हैं, जो यहां बड़े बड़े नेता के जेब में पैसा गए हैं, पदाधिकारी के जेब में गए हैं, लेकिन गरीब का जो शुद्ध काम होना चाहिए वो गरीब का शुद्ध काम नहीं हो रहा है। तो यही कहेंगे कि यहाँ शिक्षा होना चाहिए, यहाँ पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, जो स्कूल पे खर्चा करे, स्टेट बोर्डिंग पे खर्चा करे, रोड पे करे, बिजली पे करे, ये सब पे हमारे यहाँ के जो भी है इन पे देख रेख करे, यही हम कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय बिहार।